हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्रत के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने दो हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, और दो उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, ये मूँगफली है, कुटी हुई अदरक, जीरा, हल्दी पाउडर, एक नींबू लिया है, नमक सेंधा नमक है ये, और लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्ची का पाउडर भी ले सकते हैं। ये साबूदाना है जो मैं इस बाउल से, एक बाउल साबूदाना लिया था सूखा और इसको भिगोया था। और भिगोते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसका पानी बस किनारे के एकदम ऐसे ऊपर ऊपर ही आना चाहिए कि ये इसको कवर कर जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल भी, एक्स्ट्रा पानी रहेगा तो आपका साबूदाना खिला खिला नहीं बनेगा। मैंने बहुत कम पानी डाला था और 4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए छलनी में फैला के रखा है, इसलिए कि यही इसका मेन टिप्स है। भिगोते टाइम आप ध्यान रखिए ताकि आपकी खिचड़ी खिली खिली बने। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर ये मूँगफली के दाने हैं, मैं ये डाल रही हूँ और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, इन्हें वापस एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तेल में मैं कुटी हुई अदरक डाल रही हूँ, साथ में ये जीरा पाउडर, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, सबको मिक्स करके हरी मिर्च को थोड़ा सा ऑयल में भून ले। अब इसके अंदर हल्दी पाउडर डालते हैं, इसको भी मिला लेते हैं ताकि ऑयल में हल्दी अच्छे से पक जाए। हम जब भी कुछ बनाते हैं सबसे पहले हल्दी पाउडर डालते हैं ताकि हल्दी कच्ची ना रहे और इसकी स्मेल ना आए। अब मैं इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मसाला हमारा भुन गया है, अब इसमें ये उबले हुए आलू है ये मैं ऐड कर रही हूँ। आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये पके हुए तो पहले से थे, उबले हुए इसलिए ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप इसमें बिल्कुल कम 2-4 बूंद पानी की भी ऐड कर सकते हैं। मसाला और सब्जियां अच्छे से पक गई है, इसके अंदर ये रोस्टेड मूंगफली है ये ऐड कर रही हूँ मैं, इसको भी चला लेते हैं। और अब मैं इसके अंदर ये साबूदाना है ये ऐड कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। साबूदाना अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर ये मैंने एक नींबू का रस है मैं ये डाल रही हूँ और गैस बंद कर रही हूँ। नींबू को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं और एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है।